अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अब्दुल रहमान। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता रोज़ गुजरात थाना बी डिवीजन के इलाका मोहल्ला गरीबपुरा में 13 साल मासूम बच्चे के साथ जिंसी ज्यादती का वाकया पेश आया, जिस पर अहले इलाका ने टीम पाक्योरो न्यूज़ से राब्ता किया और टीम पाक्योरो न्यूज़ ने मुतासरा खानदान और बच्चे का मौकफ लेने के बाद SHO थाना बी डिवीजन इदनान आबाद साहब से राब्ता किया, जिस पर इदनान आबाद साहब ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नामालूम मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज की। SHO थाना बी डिवीजन ने अपनी टीम के हमरा चंद ही घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तो आइए नाजरीन, इसी हवाला से मजीद जानते हैं SHO थाना बी डिवीजन इदनान आबाद साहब से। सबसे पहले तो हम आपकी कोशिशों को सुनाते हैं, जिस तरह आपके बच्चे के वालदैन थाने में आए और आगे उन्होंने बयान किया कि हमारे बच्चे के साथ ये खेल हुए, तो फिर फॉर मैंने अपनी ट्रेडिंग पार्टी को सील दी और मुद्दों की गिरफ्तारी के लिए मना कर दी। लेकिन सरे दस जब पुलिस की पार्टी गई तो हमारे पहुंचने से पहले वो मतलब उस जगह से गायब हो चुका था, तो फिर हमने उसको ट्रेस करने के लिए जो उनको दुआ के कैमरे लगे हुए थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल की और उस बच्चे को दिखा के मुद्दों को ट्रेस किया। जब मुद्दों ट्रेस हो गया तो फिर हमारा तकरीबन काफ़ी काम आसान हो गया। उसके बाद फिर हमने साइंसी बुनियादों पर उसके ऊपर काम शुरू किया और अलहमदिल्ला वेरी नेक्स्ट डे मुद्दे को हमने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे केसेस की रोकथाम के लिए आम शहरियों को की क्या जिम्मेदारी है और हुकूमती क्या इकदाम करना चाहिए इस हवाले से? सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों का उनकी काफ़ी हद तक ख्याल रखना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए और इसके साथ साथ जो ऐसे वाक्यात उनके बाद गवर्नमेंट की काफ़ी कानून का जो निबंध मिला रही है, तो नए कानून बनने की वजह से इंशाल्लाह ऐसे वाक्यात का सदुपयोग करना शामिल होगा। ये दोनों आई के काम होना चाहिए, इसको हम खुद बेहसक मान जाए अपने इस मशीन का ख्याल करने से अपने बच्चों को अपना करना चाहिए, आपका ख्याल करना चाहिए और बाहर निकलते हुए मान पर नजर रखनी चाहिए और उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट नई कानून साजी भी करेगी और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ऐसे वाक्यात में कमी आएगी। इसमें वालदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल पैदा करें और उनको ये अहद करें कि वो अपने हर तरह की बात अपने वालदैन के साथ शेयर कर सके, ताकि उनके बाहर घर से बाहर उनके साथ अगर कोई वाकया उन्होंने बात है तो वो बिला झिझक अपने वालदैन को बता सके, अपने किसी बड़े के साथ बात शेयर कर सके। तो मेरा ख्याल है अगर यही वालदैन की जिम्मेदारी ये है उनके साथ एतमाद का रिश्ता कायम करें और उसके साथ साथ फिर जो मैंने पहले बताया कि उनका एजुकेट करें बदलते हालात और माशरे के अंदर जो हालात जा रहे हैं क्राइम के हवाले से, उस हवाले से उनको एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें, ये जिम्मेदारी वालदैन की है। जी नाजरीन, ये थे जनाब SHO थाना बी डिवीजन इदनान आबाद साहब, जो कि इंतहाई जिम्मेदार और फर्शनाज ऑफिसर हैं। और आखिर में हम अपनी टीम पाक्योरो न्यूज की तरफ से DPO गुजरात उमर फरूक सलामत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मिर्जा इदनान अब्बास और राणा आमर सईद जैसे ईमानदार ऑफिसर्स गुजरात में तैनात किए हैं, जो कि गुजरात शहर की आवाम के लिए बहुत एजाज की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। मैं हूँ अपनी कैमरामैन टीम के साथ मलिक अब्दुल रहमान, पाक्योरो न्यूज रात।